हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज आर्क। आज हम बहुत बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है, और आज का हमारा टॉपिक है क्यों भारत से अलग होना चाहता था केरल। इस सीरीज़ में हम करने वाले हैं हिस्ट्री अंडर 5 मिनट्स और लेस। देखिए, आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं जब आज़ादी हुई थी भारत, जब आज़ाद हुआ था उस टाइम पर ट्रेवेंकोर ने इच्छा जाहिर की थी या फिर डिक्लेयर कर दिया था कि हम भारत से अलग होकर एक नया राज्य, एक नया देश का निर्माण करेंगे। इस कहानी के 3 मुख्य किरदार हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सीपी रामास्वामी। अब देख बात कर लेते हैं, इन तीनों कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। पहले हमारे किरदार हैं इस कहानी के सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका जन्म हुआ था बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर 31 अक्टूबर 1875 के अंदर। डेथ हुई थी इनकी 15 दिसंबर 1950 के अंदर बॉम्बे के ही अंदर। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से। इनको भारत रत्न दिया गया था 1991 के अंदर, और इनको जाना जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया या फिर इंडियन बिस्मार्क के नाम से। अगले हमारे किरदार हैं वह है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 के अंदर इलाहाबाद के अंदर, और इनका मृत्यु हुई थी 27 मई 1964 के अंदर नई दिल्ली के अंदर। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे? ये INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते थे, और ये थे हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, और भारत रत्न मिला था इन्हें 1955 के अंदर। जो थर्ड हमारे किरदार हैं वो हैं किंगडम ऑफ ट्रेवेंकोर के उस समय के प्रधानमंत्री सीपी रामास्वामी अय्यर, जिनका जन्म हुआ था 12 नवंबर 1879 के अंदर, इनकी मृत्यु हुई थी 26 सितंबर 1966 के अंदर। और ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से। अब हम बात कर लेते हैं ट्रेवेंकोर के बारे में। ट्रेवेंकोर जो दिखे क्या है, ट्रेवेंकोर अपने टाइम का या फिर आज के टाइम का भी माने, जो देखिए क्या हुआ था, आज़ादी के टाइम पर 2 स्टेट्स थी, कोचीन और ट्रेवेंकोर, दोनों को मिला करके आज के समय का केरल बनता है। अब हम बात कर रहे हैं इसके अंदर ट्रेवेंकोर की। देखिए, ट्रेवेंकोर क्या था उस समय का भी काफ़ी समृद्ध किंगडम था, जो कि किस किस के मामले में आगे था, वो एजुकेशन के मामले में आगे था, ट्रेड के मामले में आगे था, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में आगे था, और पब्लिक अफेयर्स के मामले में आगे था। ठीक है, देखिए अब इसके बारे में बात करें, इसकी कैपिटल की थी थिरुवनंतपुरम, इसकी कैपिटल थी। 1729 में इसका निर्माण हुआ, और आज ये भारत का हिस्सा है, और उस टाइम पर इसमें करेंसी चलती थी ट्रेवेंकोर रुपी, और इसमें कॉमन लैंग्वेज क्या बोली जाती थी? मलयालम और तमिल। अब देखिए क्या था ट्रेवेंकोर के बारे में, हमारे लिए बहुत जानना ज़रूरी है क्योंकि ट्रेवेंकोर क्यों अलग होना चाहता था। देखिए, एक बहुत मोटा एग्जाम्पल तो ये भी है कि 1947 के आसपास ही न्यूक्लियर एनर्जी नई नई दुनिया के सामने आई थी, और ट्रेवेंकोर के अंदर बहुत ज़्यादा रिजर्व मिले थे थोरियम के, तो उनको ये भरोसा था कि हम ऑलरेडी रिच हैं ब्रिटिश इंडिया से, और काफ़ी मामलों में ब्रिटिश इंडिया से आगे हैं, अब हमारे पास थोरियम रिजर्व्स भी हैं, तो क्या होगा, हम और रिच होंगे। अब देखिए उसके बारे में हम बात कर लेते हैं ट्रेवेंकोर के मामले में। 1920 के अंदर एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू केरल और ट्रेवेंकोर गए थे, तो उन्होंने ये पाया था कि वहाँ का जो एजुकेशनल सिस्टम है, यानी कि एजुकेशन सिस्टम जो वहाँ के लोगों ने बिल्ड किया है, वो बाकी ब्रिटिश इंडिया से काफ़ी ज़्यादा आगे है। अब देखिए उसके बारे में एक खास बात बताऊं, और ये बहुत अचरज की बात है कि जब हमारा देश गुलाम था तब भी इन्होंने 18वीं सेंचुरी के अंदर एशिया की इकलौती ऐसी आर्मी थी जिसने डच आर्मी को हरा दिया था। देखिए कितनी बड़ी बात है कि उस समय भी जब भारत देश गुलाम था तब भी इनके पास इतनी पावर थी, इतने लोग समृद्ध थे, इतनी पावर इनके पास थी कि ये उस टाइम पर भी एक यूरोपियन पावर जो डच लोग थे उनकी आर्मी को हरा पाए। अब हम बात कर लेते हैं अपने टॉपिक के बारे में। जैसे ही थर्ड जून प्लान जो था लॉर्ड माउंटबेटन का, उसके बारे में पता चला सीपी रामास्वामी ने, तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जो ट्रेवेंकोर है वो भारत का हिस्सा नहीं होगा। देखिए थर्ड जून प्लान में क्या बोला गया था कि मेजॉरिटी जहां मुस्लिम्स हैं वो पाकिस्तान बनेगा, और जहां पर जो कि ब्रिटिश इंडिया के अंदर आता है वो बनेगा इंडिया, और जहां पर और जो थर्ड होंगे वो प्रिंसली स्टेट्स होंगे, उनको फ्रीडम होगी कि या वो पाकिस्तान को ज्वाइन करें, इंडिया को ज्वाइन करें, या इंडिपेंडेंट रहें। तो जैसे ही सीपी रामास्वामी को ये पता लगा, उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि स्टेट ऑफ ट्रेवेंकोर एक अलग से स्वतंत्र देश होगा। और ये उन्होंने देखिए फैसला कर लिया, जब ये फैसला किया तो वहाँ के जो राजा थे उस टाइम के, उससे भी उन्होंने कोई विचार विमर्श नहीं किया। अब देखिए जैसे ही ये डिसाइड हुआ कि ट्रेवेंकोर
भारत का हिस्सा नहीं होने वाला है, तो इसका फ़ायदा उठाया मोहम्मद अली जिन्ना ने, जिन्होंने एक लेटर लिखा सीपी रामास्वामी को और उनकी प्रशंसा की कि हम आपके इस फैसले का स्वागत करते हैं और जैसे ही पाकिस्तान बनेगा हम बहुत अच्छे संबंध रखेंगे ट्रैवेंकोर के साथ में। देखिए अब जब इस तरह की ये बातें उठने लगीं तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले धक्का पहुंचा दो लोगों को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को और पहुंचा पंडित जवाहरलाल नेहरू को। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि भारत की जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स हैं उन सबको एक साथ लाया जाए और लाए जाने के साथ साथ एक भारत का निर्माण किया जाए जिसके अंदर क्या हो, पूरा एक भारत हो, उसके अंदर बीच बीच में कोई भी प्रिंसली स्टेट्स ना हो। देखिए जैसे ही उनको पता लगा 21 जुलाई 1947 के अंदर सीपी रामास्वामी की बैठक हुई थी माउंट बैटन के साथ में, जिनसे जिसमें सीपी रामास्वामी ने ये साफ बोल दिया था कि हम भारत के साथ कोई विलय नहीं करना चाहते, अगर हम चाहेंगे तो भारत के साथ एक ट्रीटी कर लेंगे जिसके साथ में भारत के साथ हमारे संबंध अच्छे होंगे लेकिन हम भारत में विलय के लिए तैयार नहीं हैं। देखिए उस मीटिंग में इनको साफ शब्दों में बता दिया गया था, और इसके पीछे देखिए हाथ किसका था, इसके पीछे हाथ था सरदार वल्लभ भाई पटेल का और उस टाइम के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का, कि अगर आपने भारत को साथ विलय कर लिया अपने ट्रैवेंकोर का तो उसके आपके बहुत सारे एडवांटेजेस होंगे, लेकिन अगर आपने विलय नहीं किया तो देखिए इसके दो रीज़न, इसके लिए इसके दो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं कि हो सकता है कि आपको इसके लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़े, आपके ट्रैवेंकोर में जो लोग भारत के साथ रहना चाहते हैं वहाँ पर गृह युद्ध जैसी स्थिति हो जाए और भारत भी पावर का इस्तेमाल करके कोशिश करे कि ट्रैवेंकोर को अपने अंदर मिला लिया जाए। ठीक है, और देखिए ऐसा ही नहीं था कि सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे और नेहरू जी थे वही कोशिश कर रहे थे, वहाँ की जो जनता थी वो भी काफ़ी परेशान थी इस चीज़ को सुनकर कि हम भारत से अलग होने वाले हैं। और उस टाइम पर देखिए वहाँ पर दो पार्टी काफ़ी एक्टिव थी, कांग्रेस और सीपीआई, वहाँ के लोग इतना नाराज़ थे, इतना गुस्से में थे इस डिसीजन को सुनकर कि सीपी रामास्वामी पर एक बार अटैक भी हो गया था, और अटैक किसने किया था, केसीएस मौनी ने किया था जो कि केरला सोशलिस्ट पार्टी के वर्कर थे। अब देखिए फिर क्या हुआ, जब इतना सब होने लगा तो जो वहाँ के महाराजा थे 30 जुलाई 1947 के अंदर उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन के से टेलीग्राफ किया जिसमें उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हम भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेप्शन साइन करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, भारत के साथ ट्रैवेंकोर का विलय हुआ और 1 जुलाई 1949 के अंदर दो राज्यों को मिला करके, कोचिन और ट्रैवेंकोर को मिला करके एक नया राज्य बना, स्टेट ऑफ ट्रैवेंकोर कोचिन और थिरु कोची। अब फिर उसके बाद क्या आया, भारत में आया स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट 1956, जिसमें क्या हुआ लिंग्विस्टिक लाइन के ऊपर केरला को आज का केरला बनाया गया, किसकी जगह पर, थिरु कोची की जगह। ठीक है, दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। अगर आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी नया सीखा तो हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।